आपसे बात करें। ये फ्रेमवर्क जब हमने बनाना शुरू किया 2015 में, तो हम भारत के डिफरेंट डिफरेंट कोने में गए और हर जगह बात जाकर केबल ऑपरेटरों से मुलाकात करी, बात करी। कुछ लोग मुझे पहचान रहे होंगे, कुछ नहीं पहचान रहे होंगे, लेकिन मैंने सबसे बात करी। हम पूना गए, हम बॉम्बे गए, इंदौर गए, कलकत्ता गए, जयपुर गए, चंडीगढ़ गए और तमाम जगह पे गए। और जब वहां हम गए तो मुझे ये मालूम पड़ा कि एक्चुअली जो हमको यहाँ पर तरीका दिखाया जाता है दिल्ली में बैठ के, और जो ग्राउंड की चीजें हैं उनमें बहुत दिक्कत है और बहुत डिफरेंस। स्वाइपिंग ऑफ सेटअप बॉक्स, एक दूसरा जो है जिसे कहते हैं डमी एलसीओ ऑपरेटर क्रिएट कर दिया गया। सेटअप बॉक्स खराब है तो तुम्हारा है और अच्छा है तो हमारा है। आपके पास सेटअप बॉक्स दे दिया गया, एक्टिवेट नहीं हुआ, पैसा चार्ज करना शुरू कर दिया, कोई आपको प्रॉपर बिल नहीं देना। जब छोड़ने की बात करी, एनओसी मांगी तो 1,00,000-1,00,000 जितना भी हुआ उतना आपको दिखा दिया, आउटस्टैंडिंग दिखा दिया। एक नहीं, अनेकों प्रॉब्लम। मैं आपको थोड़ी इसलिए बताना चाहता हूँ जिससे जो और भाई है जो हमें नहीं जानते उनको ये मालूम पड़ जाए कि मैं ऐसा नहीं हूँ जो दिल्ली में बैठा हूँ मुझे आपकी प्रॉब्लम नहीं मालूम। उसको सब देखते हुए हम लोगों ने काम शुरू किया, कंसल्टेशन किया, 2016 से कंसल्टेशन शुरू किया, सबसे बात करी। और कई लोगों ने जो आपके संगी साथी हैं, जो आपके एसोसिएशन के लोग हैं, उन्होंने बड़ा सहयोग किया, बड़ी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी, सारी चीज़ें बताई। बड़ी हैरानी हुई मुझे अभी ये जानकर कि जिनके लिए ये पूरा फ्रेमवर्क बनाया गया वही लोग हमको अपोज कर रहे हैं कि नहीं ये ठीक नहीं। तो इसका एक ही कारण हो सकता है, या तो किसी ने आपको गलत बता दिया है या कहीं कोई समझने में दिक्कत आएगी। हम हर जगह जाकर आप सबको नहीं समझा पाते। यहाँ पर बहुत से भाई लोग ऐसे होंगे जिनको लैंग्वेज बैरियर होगा, वो समझ नहीं पा रहे होंगे जो हम बोल रहे हैं। ज्यादातर लोग मैं समझता हूँ हिंदी क्षेत्र से होंगे तो समझ लेंगे, लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो नहीं समझ पाते। हमारे पास बहुत से व्हाट्सएप आते हैं जो कि या तो किसी और लैंग्वेज में है, तमिलनाडु के लैंग्वेज में लिखे हुए हैं या केरला के लैंग्वेज में लिखे हुए हैं या आंध्र प्रदेश में लिखे हुए, चाह के भी मैं उनका जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मेरी मजबूरी है कि मैं उसको समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रहा है। अब एक मोटी मोटी बात समझिए, पहले पावर किसके हाथ में थी? सिंगल हैंडेडली ब्रॉडकास्टर के हाथ में पावर हुआ करती है। वो जिसको चाहता था डिस्काउंट देता था, जिसको चाहता डिस्काउंट नहीं देता। अगर मेरे को एक एमएसओ को मारना है तो मैं दूसरे एमएसओ को डिस्काउंट खूब ज्यादा दे दूंगा। उसके जितने भी एलसीओ होंगे वो कहेगा भाई इतने में बेचो, कहेगा कैसे बेचूं? वो बंदा तो वही सारी चीजें जो है मान लो 200 में दे रहा है, आप कह रहे हो 300 में, तो कौन मेरा कस्टमर लेगा? एंड चर्निंग ऑफ कस्टमर होती थी, शॉपिंग सारी चीजें आप जानते हो।